देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा वो इंडिया गठबंधन का एक आधिकारिक स्टेटमेंट है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का लालच किसी को नहीं है, जबकि एनडीए में प्रधानमंत्री पद का ही लालच है, और वो एक शख्स को है जो मायावी ताकतें रख रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहा है, महंगाई बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसके बरक्स इंडिया गठबंधन में दूसरे दल जो हैं खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं और खड़गे साहब विनम्रता से मना कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, अग्निवीर जैसी समस्याओं को ख़त्म करना है, महंगाई को ख़त्म करना है और संसदीय परंपराओं को बहाल करना है। चुनाव हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जीतेंगे। इशू रहा है विपक्ष के लिए हमेशा ईवीएम को जुर्मा ठहराया जाता है, जिसके ऊपर कल सीताराम येचुरी ने कहा कि ईवीएम पे भी गहन चर्चा हुई है और सभी दल एक साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने इसको अपोज करेंगे और इसको लेकर लेटर वगैरह भी देंगे। देखिए, कल एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया ईवीएम पर और बहुत प्रायोगिक और प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि भाई वीवीपैट की पर्ची मतदाता को मिले और मतदाता को मिलने के बाद वो अपनी पर्ची देखे, संतुष्ट हो और उसके बाद वहीं डब्बे में डाल दे और उनकी पर्चियों की गिनती हो। मुझे नहीं लगता कि सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस बात को माने और तुरंत 100% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती की व्यवस्था कराए, ताकि ये जो शक और शंका का माहौल है चुनाव को लेकर के, ये दूर हो जाए। इंडिया की स्ट्रेटजी यही तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी साफ है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स हो जाएगा सभी नेता अपने क्षेत्र में जाके तैयारियां करने लगेंगे और ये जो लड़ाई है इसमें जो इंडिया का जो मूल मंत्र है वो पीडीए है और ये पीडीए ही 2024 में उत्तर प्रदेश में से 80 में से 80 में बीजेपी को हराएगी। निश्चित तौर पर जो फार्मूला अखिलेश यादव जी का है वही फार्मूला जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस का है, बाकी सारे दलों का। हम स्वयं कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को या अगड़े को, सबको अपना अधिकार मिले, संसाधनों में उचित सुरक्षा हो। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो निश्चित तौर पर एनडीए इंडिया ब्लॉक से हारेगा और उसमें पीडीए की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कल ना तो नीतीश कुमार नजर आए ना तो लालू यादव याद आए और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं है, वो खाली उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों का सिर्फ मजाक उड़ाना जानता है। मिमिक्री कब से अपराध हो गया है? जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की 2009 में मिमिक्री की थी, तब गिरिराज सिंह कहाँ घास चर रहे थे? वो पाकिस्तान बैठे हुए थे या कहाँ बैठे हुए थे? ये लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, लोकतंत्र की दुहाई उस जगह पर देते हैं जहां पर इन्हें विषयांतर करना होता है। लोकतंत्र कलंकित हो रहा है जब संसद पर हमला होता है, लोकतंत्र कलंकित होता है जब संसद पर हमले पर हम चर्चा की मांग करते हैं और हमारे सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन गिरिराज सिंह जी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मति भ्रम के और मति भ्रष्टता के शिकार हो गए। सर, अभी जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं सांसद, जिसके बाद अब सेक्रेटेरिएट की तरफ से करिकुलर भी जारी कर दिया गया है कि जो सस्पेंडेड एमपीज हैं ये गैलरी में नहीं जा सकते हैं, चेंबर में भी नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह की भी पाबंदियां उन पे लागू करने का सर्कुलर जारी हुआ है। ये तो हिटलर शाही है। सरकार का मंतव्य है कि लोकतंत्र को ध्वस्त कर दो, लोकतंत्र को ख़त्म कर दो, हिटलर शाही लागू कर दो, और हम इस हिटलर शाही के खिलाफ लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि 22 दिसंबर को एक प्रदर्शन किया जाएगा, एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो है ये लगातार अगर इस तरह से विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता तो आने वाले दिनों में तो विपक्ष को पार्लियामेंट में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं हिटलर शाही की ओर चल रही है, मुसोलिनी तंत्र की ओर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपक्ष से भी कोई मतलब नहीं है, जनता से भी कोई मतलब नहीं है। वो जनतंत्र को लूटतंत्र और भीड़ तंत्र के सहारे चलाना चाहते हैं। देशवासी और संपूर्ण विपक्ष
इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगा और इन्हें हराएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।